जैसी करनी वैसी भरनी। सेठ धर्मदास धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बड़े बड़े महात्मा और ज्ञानी पुरुषों के संपर्क में रहने के कारण एक महात्मा ने सेठ से कहा, सेठ जी, आप दानी होने के साथ साथ काफी धनवान भी हैं, अतः आप एक मंदिर बनवा दें जिससे आपको पुण्य लाभ मिलेगा। महात्मन, आपकी अगर यही इच्छा है तो मैं कल ही एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करवा देता हूं, सेठ धर्मदास ने कहा। और अगले ही दिन सेठ ने मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया। काफी राज मजदूर लगे होने की वजह से शीघ्र ही मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था। मंदिर में लकड़ी का काम चल रहा था। बड़े आरे से एक बड़े से पेड़ को चीर रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई। बड़ई ने लकड़ी के दो चीरे हुए भागों के बीच में एक मोटी कीलनुमा लकड़ी फंसा दी ताकि दोनों भाग अलग अलग बने रहे और आगे की चिराई का काम आसानी से किया जा सके। उन्होंने अपनी आरी निकाली और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। बड़ई और दूसरे मजदूरों के चले जाने के बाद संयोगवश उधर इधर घूमता बंदरों का झुंड वहां आ पहुंचा। सारे बंदर उस आधे अधूरे बने मंदिर की छत, फर्श और दीवारों पर उछल कूद करने लगे। उन बंदरों में से एक नटखट बंदर उस अधचिरे पेड़ पर जाकर बैठ गया और अपनी सहज चंचलतावश दो पाटों के बीच में फंसी कीलनुमा लकड़ी को खींचकर बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। झुंड के मुखिया वृद्ध बंदर ने उसे समझाया कि वो उस लकड़ी को न निकाले, परंतु मुखिया की बात का उस चंचल बंदर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो पहले से ज्यादा जोर लगाकर लकड़ी को खींचकर बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। बंदर की पूंछ दोनों पाटों के बीच लटक रही थी। जैसे ही दोनों पाटों के बीच में से कीलनुमा लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकला, दोनों पाट आपस में सट गए और उनके बीच में उस बंदर की पूंछ कुछ इस प्रकार दब गई कि उसे निकालना असंभव हो गया। काफी देर झटपटाने के बाद उस बंदर ने प्राण त्याग दिए। इस कहानी का सार यही है, बिना सोचे समझे कभी कोई काम नहीं करना चाहिए और व्यर्थ के कामों में तो टांग बिल्कुल नहीं अड़ानी चाहिए। बड़े बुजुर्ग जिस काम को करने के लिए मना करे उसे नहीं करना चाहिए, शायद इसी में भलाई हो। जैसे को तैसा, सुंदर वन के एक ऊंट और एक स्यार में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन स्यार बोला, ऊंट भाई, थोड़ी दूरी पर खरबूजे का एक खेत है, क्यों ना हम वहीं दावत खाएं? मुझे खरबूजे खाए काफी दिन बीत गए। ऊंट चलने को तैयार हो गया। दोनों खेत में जाकर खरबूजे खाने लगे। स्यार जल्दी जल्दी खा पीकर निश्चिंत हो गया, लेकिन ऊंट अभी खरबूजे खाने में मस्त था। खरबूजे खाकर स्यार खेत में ही एक पेड़ के नीचे बैठकर हुआ हुआ करने लगा। मित्र, ये क्या कर रहे हो? खेत का मालिक आ धमका तो? ऊंट बोला, क्या करूं मित्र, मुझे खाने के बाद गाने की आदत है, यदि मैं गाऊंगा नहीं तो खाया पिया हजम नहीं होगा। ये कहकर वो फिर हुआ हुआ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर खेत का मालिक आ पहुंचा और ऊंट को खरबूजे खाते देख उसे लाठी से पीटने लगा। उसे पीटते देख स्यार वहां से भाग खड़ा हुआ। किसी तरह ऊंट भी अपनी जान बचाकर भागा। थोड़ी देर में ऊंट भी जंगल में जा पहुंचा। उसने एक पेड़ के नीचे स्यार को आराम करते देखा। स्यार ऊंट को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। जहर का घूंट पीकर ऊंट चुप ही रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऊंट ने स्यार से बदला लेने की मन ही मन में ठान ली थी। एक दिन उसने स्यार से कहा, मित्र चलो नदी की सैर करते हैं। स्यार बोला, लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। ऊंट बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। स्यार सैर के लिए तैयार हो गया। वो ऊंट की पीठ पर बैठ गया। गहरे पानी में जाकर ऊंट डुबकी लगाने लगा। अरे मित्र, ये क्या करते हो? ऐसे तो मैं पानी में डूब जाऊंगा। स्यार बोला, तुम डूबो या तैरो, मुझे तो पानी देखकर डुबकी लगाने की इच्छा होती है। कहकर ऊंट ने फिर डुबकी लगा दी। इस बार पानी का तेज बहाव आया और स्यार उसमें बह गया। बहुत चिल्लाया लेकिन ऊंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस कथा का सार यही है, घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। कुटिल स्वभाव वाले प्रेम की भाषा नहीं समझते और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। स्यार ने ऊंट के साथ मक्कारी की थी और मौका पाकर ऊंट ने उसका जवाब दे दिया। दिखावे की कीमत। एक बहुत ही सुंदर हरा भरा वन था और वन के एक किनारे पर सुरम्य सरोवर था। उस सरोवर में बहुत से हंस रहते थे। उन हंसों के राजा का नाम हंसराज था। वन में भी बहुत से पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक था कान काक्ष नाम का उल्लू। उस उल्लू और हंसराज की प्रगाढ़ मित्रता थी। उल्लू ने भी हंसराज से कह रखा था कि वह उल्लुओं का राजा है,
जबकि ऐसा था नहीं। अतः उसके मन में सदैव यह विचार रहता था कि वह कुछ ऐसा करे कि हंसराज को विश्वास हो जाए कि वह वास्तव में राजा है। उल्लू वन में एक वृक्ष के कोटर में रहता था। एक दिन उस पेड़ के पास राज्य के सैनिकों ने खेमा गाढ़ा। उनके राजसी ठाट बाट को देखकर उल्लू दंग रह गया और उसने यही उचित अवसर समझा। उसके मन में था कि हंसराज को यहाँ लाकर ऐसा दर्शाऊं कि जैसे ये मेरे ही आदमी हैं। हंसराज मेरा वैभव देखकर अवश्य प्रभावित हो जाएगा, इसलिए कनकाक्ष हंसराज को बुलाने चल दिया। उल्लू जब सरोवर के किनारे पहुंचा तो हंसराज अपने साथियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न था। जब उसने कनकाक्ष को देखा तो किनारे आकर बोला, कहो मित्र कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक शिकायत है। मैं तुमसे मिलने रोज यहाँ आता हूँ, पर तुम्हें कभी अपने घर नहीं ले जाता। कनकाक्ष कुछ देर तो चुप रहा, फिर आगे बोला, यदि तुम मुझे अपना सच्चा मित्र समझते हो तो तुम्हें आज ही मेरे घर चलना होगा। इस तरह कनकाक्ष जबरदस्ती हंसराज को अपने घर की ओर ले चला। वन में आकर दोनों उस वृक्ष पर बैठ गए जिस पर राज सैनिकों का खेमा गढ़ा था। सैनिकों की ओर इशारा करते हुए कनकाक्ष गर्वोन्मत्त स्वर में बोला, ये सब मेरे आदमी हैं, मेरे प्रति बहुत ही निष्ठावान हैं, बिना मेरी अनुमति लिए कुछ नहीं करते। अभी उसने अपनी बात पूरी की ही थी कि सैनिक वहां से कूच करने की तैयारी करने लगे। यह देखकर हंसराज बोला, ये तो जाने की तैयारी कर रहे हैं, बिना मेरी अनुमति लिए कैसे जा सकते हैं? कहकर कनकाक्ष मनहूस आवाज में हू हू करने लगा। उल्लू का बोलना अपशकुन माना जाता है, अतः सैनिकों ने रवानगी कुछ देर टाल दी। फिर सैनिकों ने दो तीन बार वहां से कूच करने का प्रयास किया, लेकिन कनकाक्ष ने अपनी मनहूस आवाज निकालकर उन्हें रुकने के लिए विवश कर दिया। उसका तो प्रयास ही यह सिद्ध करना था कि वह इन लोगों का राजा है। इस बार जब सैनिक कूच करने को हुए तो उल्लू फिर हु हु करने लगा। इस बार एक सैनिक को क्रोध आ गया और उसने कमान पर तीर चढ़ाकर उल्लू की ओर छोड़ दिया, लेकिन वह तीर उल्लू को ना लगकर हंस की गर्दन में जा धंसा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उल्लू को अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप हुआ, जिसकी वजह से उसकी मित्र की जान चली गई थी। शिक्षा: वास्तविकता छिपाए नहीं छिपती, असली चेहरा तो एक दिन सामने आ ही जाता है। मित्रता में तो वैसे भी कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। उल्लू यदि अपनी वास्तविकता नहीं छिपाता तो उसे अपने प्रिय मित्र से हाथ नहीं धोना पड़ता। मूर्ख मित्र का संग सदैव हानिकारक होता है। द्रौपदी की क्षमाशीलता। संपूर्ण कक्ष एक करुण चीत्कार से गूंज उठा। अभी अभी तो महाभारत युद्ध समाप्त हुआ है और विजय की इस वेला में यह करुण क्रंदन। सभी पांडव पक्ष के वीर पांचली के कक्ष से आती चित्कार की ओर दौड़ पड़े। अत्यंत हृदय विदारक दृश्य। द्रौपदी के पांचों पुत्रों के कटे सिर, चारों ओर रक्त ही रक्त। द्रौपदी, धर्मराज इससे अधिक कुछ ना बोल सके। जैसे इन तीन अक्षरों में ही उनकी समग्र वेदना, आश्चर्य और प्रश्न एक साथ साकार हो उठे हों। गांडीवधारी की भुजाएं फड़क उठी, वे क्रोधावश में चीख उठे। उस दुष्ट अश्वत्थामा के अतिरिक्त इस दुष्कर्म को करने हेतु बचा ही कौन है? अपने आंसुओं को पोंछ लो देवी, मैं प्रण करता हूं कि अभी उस दुष्ट को तुम्हारे चरणों में लाकर पटक दूंगा और उस पर पैर रखकर उसके रक्त से तुम स्नान करना। फिर तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर और कवच धारण कर गांडीव धनुष को लेकर अपने रथ पर सवार हो अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। निरपराध पांडव पुत्रों के वध से श्रीविहीन एवं भयातुर अश्वत्थामा अधिक समय तक अर्जुन के चंगुल से बच नहीं पाए। मधुसूदन, इस दुष्ट के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? अर्जुन अभी अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, इस ब्राह्मणाधम का वध ही उचित है, यही तुम्हारी प्रतिज्ञा भी है, इसमें सम्मति की क्या आवश्यकता? अपने मृत पुत्रों के शोक में तंप द्रौपदी ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ज्यों ही कक्ष में रस्सियों से बंधे लादे देखा, त्यों ही वह उठकर खड़ी हो गई और अर्जुन के चरणों में गिरकर बोली, प्राणात, इसे क्षमा दान दीजिए। बैठ द्रौपदी, इस दुष्ट के वक्ष पर मैं तुझे रक्त से स्नान कराता हूँ, अर्जुन ने कहा। द्रौपदी ने अपने रूंधे कंठ से
विनय करना आरंभ किया। वह अश्वत्थामा को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अर्जुन से बोली, आर्यपुत्र, आपने जिनसे श्रेष्ठ युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की है उन्हीं पूज्य गुरुदेव के ये पुत्र हैं। ब्राह्मण होने के कारण भी ये हम क्षत्रियों द्वारा अवध्य हैं। इनकी माता कृपी तो मात्र पुत्र प्रेम के कारण ही अपने पति के मार्ग का अनुसरण ना कर जीवित तो नहीं होंगे। आज जिस तरह मैं अपने पुत्रों के वियोग में तड़प रही हूँ, कल इनकी माता कृपी भी पुत्र वियोग में ना जाने क्या कर बैठे। यदि मैं किसी को सुख ना दे सकूं तो उनके दुख का कारण तो ना बनूं। अर्जुन सहित सभी पांडव नारी के इस अद्भुत आदर्श को साश्चर्य देख रहे थे। एक ओर बांके विहारी अपनी नित्य शांत मुद्रा में खड़े थे। वे आगे बढ़कर बोले, क्या हुआ अर्जुन, रुक क्यों गए, उठाओ तलवार। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में नत हो गए और बोले, कन्हैया मुझे धर्म संकट से उबारिये। श्री कृष्ण ने परीक्षा लेते हुए कहा, मैं अपनी शास्त्र सम्मत वाणी को पुनः दोहरा रहा हूँ पार्थ, पतित ब्राह्मण का वध ना करना और आतताई को मौत के घाट उतारना यही धर्म है। अर्जुन जैसे गीता ज्ञान ग्रहण कर्ता के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह संकेत पर्याप्त था। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी मणि निकाल ली और सिर के बाल मूंड कर उसे छोड़ दिया। अपमानित ब्राह्मण मृतक ही होता है, अतः ब्राह्मण का बिना वध किए अश्वत्थामा को मृत्यु के समान दंड देकर अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। धनतेरस की पौराणिक कथा। जब मां लक्ष्मी ठहर गई किसान के घर, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहां ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत जाना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचल हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक पाए, इनको मेरा शाप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि किसान तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल 13 है, तुम कल घर को लीप पोतकर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना।
मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। धनतेरस पर राजा बाली और वामन अवतार की कथा। धनतेरस से जुड़ी एक कथा है कि कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बाली के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बाली के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बाली से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बाली ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल में जल लेकर संकल्प लेने लगे। बाली को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बाली के कमंडल में लघु रूप में धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की बात समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य झटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बाली ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बाली ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बाली दान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बाली के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बाली ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनवंतरी कौन थे जिनकी होती है धनतेरस पर पूजा? धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की विशेष पूजा होती है। उन्हें आयुर्वेद का जन्मदाता और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 12वां अवतार धन्वंतरी का था। धन्वंतरी के जन्म के संबंध में हमें 3 कथाएं मिलती हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी प्रथम। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। वे समुद्र में से अमृत कलश लेकर निकले थे, जिसके लिए देवों और असुरों में संग्राम हुआ था। समुद्र मंथन की कथा श्री भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि पुराणों में मिलती है। धन्व के पुत्र धन्वंतरी द्वितीय। कहते हैं कि काशी के राजवंश में धन्व नाम के एक राजा ने उपासना करके अजदेव को प्रसन्न किया और उन्हें वरदान स्वरूप धन्वंतरी नामक पुत्र मिला। इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। ये समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी का दूसरा जन्म था। धन्व काशी नगर के संस्थापक काश के पुत्र थे। काशी वंश परंपरा में हमें 2 परंपराएं मिलती हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार काश से दीर्घतापा, दीर्घतापा से धन्व, धन्वे से धन्वंतरी, धन्वंतरी से केतुमान, केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से दिवोदास हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार काश से काश्य, काश्य से राष्ट्र, राष्ट्र से दीर्घतपा, दीर्घतपा से धन्वंतरी, धन्वंतरी से केतुमान, केतुमान से भीमरथ और भीमरथ से दिवोदास हुए। वीरभद्र के पुत्र धन्वंतरी तृतीय। गालव ऋषि जब प्यास से व्याकुल हो वन में भटक रहे थे, तो कहीं से घड़े में पानी लेकर जा रही वीरभद्रा नाम की एक कन्या ने उनकी प्यास बुझाई। इससे प्रसन्न होकर गालव ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि तुम योग्य पुत्र की मां बनोगी। लेकिन जब वीरभद्रा ने कहा कि वे तो एक वेश्या हैं, तो ऋषि उसे लेकर आश्रम गए और उन्होंने वहां कुश की पुष्प आकृति आदि बनाकर उसकी गोद में रख दी और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कर प्रतिष्ठित कर दी। वही धन्वंतरी कहलाए।
विस्तार। उपरोक्त में से प्रथम दो कथाएं ज्यादा मान्य हैं। प्रथम कथा के अनुसार देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई और उसके बाद अमृत निकला। हालांकि धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कहते कि धन्वंतरी लगभग 7000 ईसा पूर्व हुए थे। वे काशी के राजा महाराजा धन्व के पुत्र थे। उन्होंने शल्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण गवेषणाएं की थी। उनके प्रपौत्र दिवोदास ने उन्हें परिमार्जित कर सुश्रुत आदि शिष्यों को उपदेश दिए। दिवोदास के काल में ही दशराज्ञ का युद्ध हुआ। धन्वंतरी के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन के साथ अमृत का स्वर्ण कलश जुड़ा है। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया था। उन्होंने कहा कि जरा मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्म आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। धन्वंतरी आदि आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार 100 प्रकार की मृत्यु है। इनमें एक ही काल मृत्यु है, शेष अकाल मृत्यु रोकने के प्रयास ही आयुर्वेद निदान और चिकित्सा है। आयु के न्यून अधिक की एक एक माप धन्वंतरी ने बताई है। धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। धन्वंतरी आरोग्य सेहत आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। रामायण महाभारत सुश्रुत संहिता चरक संहिता काश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय भाव प्रकाश शर्गधर श्री भगवत पुराण आदि में उनका उल्लेख मिलता है। धन्वंतरी नाम से और भी कई आयुर्वेदाचार हुए हैं। आयु के पुत्र का नाम धन्वंतरी था। न माया मिली न राम। सुंदरवन में एक शेर रहता था। एक दिन भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उस दिन उसे आसपास कोई शिकार नहीं मिला था। अभी वो थक कर बैठा ही कि कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक खरगोश का शावक दिखाई दिया। वो पेड़ की छांव में उछल कूद कर रहा था। शेर उसे पकड़ने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा। खरगोश शावक ने शेर को अपनी ओर आते देखा तो वो जान बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन शेर ने दो ही छलांगों में उसे धर दबोचा। फिर जैसे ही शेर ने उसकी गर्दन दबानी चाही कि उसे एक हिरन दिखाई पड़ा। उसने छोटे से खरगोश को छोड़ दिया और हिरन की ओर लपका। खरगोश का बच्चा उसके पंजे से छूटते ही भाग गया। उधर हिरन ने शेर को अपनी ओर लपकते देखा तो लंबी लंबी छलांगें भरता हुआ भाग खड़ा हुआ। शेर हिरन को नहीं पकड़ पाया। इधर खरगोश भी हाथ से गया और उधर हिरन भी नहीं मिला। खरगोश के बच्चे को छोड़कर शेर पछताने लगा। उसने सोचा कि किसी ने सच्ची कहा है, जो आधी को छोड़कर पूरी को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं उन्हें आधी से भी हाथ धोना पड़ता है। इस कहानी का सार यही है, ज्यादा लोभ करना ठीक नहीं। जो मिल जाए उसी को काफी समझना चाहिए। भूखे शेर को पेट भरने के लिए खरगोश मिल गया था, लेकिन हिरन को देखते ही उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो छोटा था। जब हिरन को पकड़ने दौड़ा तो वो हाथ ना आया और खरगोश भी रफू चक्कर हो गया। शेर को मन मारकर भूखा ही रहना पड़ा। पाप कहां कहां तक जाता है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। और फिर उन्होंने अब ये जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहां जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप कहां जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे,
सब लोग तुम्हारे पास पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूं। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूं। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, हम क्यों पापी हुए? और मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूं, जिससे अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न को जिस वृत्ति कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वो धन भी श्रम का होना चाहिए। बदसूरती काम आई। एक जंगल में अन्य सभी वृक्ष तो सुंदर व सीधे खड़े हुए थे, लेकिन एक वृक्ष ऐसा था जिसका तना भी टेढ़ा था और शाखाएं भी टेढ़ी मेढ़ी थी, इसलिए वो कुबड़ा वृक्ष कहलाता था। कुबड़ा होने के कारण न राहगीर ही उसकी छाया में बैठते थे और न पक्षी ही उस पर घोंसला बनाते थे, जबकि अन्य वृक्षों का सभी उपयोग करते थे। अपने प्रति लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर कुबड़े वृक्ष को दुख होता था। वो अन्य वृक्षों को देखकर सोचा करता, मेरे भाई बंधु कितने सुंदर है, काश मैं भी ऐसा ही होता। ईश्वर ने मेरे साथ पक्षपात किया है। एक दिन उसी जंगल में एक लकड़हारा आया। टेढ़े वृक्ष को देखकर वो मन ही मन बोला, ये पेड़ तो मेरे लिए बेकार है। लकड़हारे ने सुंदर व तने हुए वृक्षों को ही पसंद किया और देखते देखते उन्हें काटकर जमीन पर डाल दिया। ये देख कुबड़े वृक्ष की आंखें खुल गई। वो सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ जो ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया। यदि मैं भी इनकी तरह सुंदर और सीधा होता तो आज मेरा भी जीवन समाप्त हो जाता। वो ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, हे ईश्वर, मैंने आपके विषय में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा कह दिया। आप मुझ निर्बुद्धि को क्षमा करें। आप जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। आपके किए में ही सबका हित है। आप सबके भले बुरे को जानते हैं। इस कहानी का सार यही है, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। उसकी करनी में खोट निकालना ठीक नहीं। ये ठीक है कि कुबड़ा वृक्ष अपनी बदसूरती पर नाखुश था, लेकिन जब उसने सीधे सुंदर वृक्षों का हश्र देखा तो अपनी बदसूरती ही उसे खूबसूरती लगने लगी। याद रखें, ईश्वर की हर रचना सुंदर, केवल सुंदर ही होती है। भगवान शिव को क्यों कहा जाता है त्रिपुरारी? धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके तीन पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से तीन अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए।
ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया, तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन माली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर जी की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव जी ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र वरुण यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव जी। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़े तीनों का नाश कर दिया। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। इसी वध के बाद भगवान शिवजी को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। भलाई का बदला। एक बार की बात है, एक मधुमक्खी किसी सरोवर के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी कि एकाएक ही उस सरोवर में गिर पड़ी। उसके पंख भीग चुके थे, अब वह उड़ने में असमर्थ थी। इस तरह उसकी मृत्यु निश्चित थी। सरोवर के पास ही पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। उसने मधुमक्खी को डूबते देखा तो पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और अपनी चोंच में दबाकर सरोवर में मधुमक्खी के पास गिरा दिया। धीरे धीरे मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ गई। कुछ ही देर में उसके पंख सूख गए। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया और उड़कर दूर चली गई। कुछ समय बीत जाने के बाद कबूतर पर भारी संकट आ पड़ा। वो पेड़ की एक शाखा पर आंखें मूंद कर सो रहा था। तभी एक बहेलिये ने तीर कमान से उस पर निशाना साधा। कबूतर को कुछ पता नहीं था, लेकिन मधुमक्खी ने बहेलियों को निशाना साधते हुए देख लिया था। वो तुरंत उड़कर बहेलिये के पास पहुंची और उसके हाथ पर टंक मार दिया। बहेलिया दर्द से बिलबिलाने लगा। उसकी बिलबिलाहट से कबूतर की नींद टूट गई और उसके प्राण बच गए। इस कथा का सार यही है, उपकार के बदले अपकार मिले, ऐसा यदा कदा ही होता है। अन्यथा उपकृत प्राणी सदैव उपकार करने वाले का आभारी रहता है और प्रयास करता है कि वो भी उसके किसी काम आ सके। कबूतर ने मधुमक्खी की प्राण रक्षा की थी तो उस समय पर उसने भी अपना फर्ज पूरा कर दिखाया। भाई दूज पर श्री कृष्ण गए थे सुभद्रा के यहां। कहा जाता है कि नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने इसी दिन उनके घर पहुंचे थे। सुभद्रा ने उनका स्वागत करके अपने हाथों से उन्हें भोजन कराकर तिलक लगाया था। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का उल्लेख हमें श्रीमद् भगवत पुराण और महाभारत में मिलता है। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ की यात्रा में बलराम तथा सुभद्रा दोनों की मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ ही रहती हैं। सुभद्रा की 3 बहनें थीं। पहली एकानागा, ये यशोदा की पुत्री थी। दूसरी योगमाया, देवकी के गर्भ से सती ने महामाया के रूप में इनके घर जन्म लिया, जो कंस के पटकने पर हाथ से छूट गई थी। कहते हैं विद्यांचल में इसी देवी का निवास है। ये भी कृष्ण की बहन थी। इसके अलावा चूंकि श्री कृष्ण द्रौपदी को भी अपनी बहन मानते थे तो वो भी उनकी बहन हुई। सुभद्रा वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की पुत्री थी, जबकि वासुदेव की दूसरी पत्नी देवकी के पुत्र श्री कृष्ण थे। इसी तरह श्री कृष्ण और सुभद्रा के पिता एक ही थे, परंतु माताएं अलग अलग थी। बलराम की माता भी रोहिणी थी। सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही तो कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। सुभद्रा से विवाह के बाद अर्जुन 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह फंसने के कारण दुर्योधन कर्ण सहित कुल 7-8 लोगों ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी,
जिसके गर्भ से परीक्षित जन्म हुआ और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था। मित्रता की परख। रमानाथ और दीनानाथ में गहरी दोस्ती थी। दोनों ही एक दूसरे पर जान छिड़कने का दम भरा करते थे। एक दिन दोनों घने जंगल से होकर गुजर रहे थे कि मार्ग में उन्हें एक भालू आता दिखाई दिया। वो उनकी तरफ ही आ रहा था। रमानाथ तेजी से भागकर निकट के पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने मित्र दीनानाथ की तनिक भी चिंता नहीं की। वो बोला, भाई दीनानाथ, जान है तो जहान है, तुम भी अपने बचाव का रास्ता खोजो। दीनानाथ को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था और न ही उसके पास वहां से भागने का कोई मौका था। अचानक उसके मस्तिष्क में एक सुनी सुनाई बात याद आई कि मृतक को भालू नहीं खाते। वो तुरंत ही सांस रोककर बेजान सा होकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। भालू दीनानाथ के पास आया और उसके शरीर को सूंघकर चुपचाप आगे बढ़ गया। जब भालू कुछ दूर निकल गया तब दीनानाथ उठ बैठा और रमानाथ भी पेड़ से नीचे उतर आया। उसने दीनानाथ से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? दीनानाथ बोला, उसने कहा था कि स्वार्थी मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस कहानी का सार ये ही है, मित्रता करने का दम भरना बेशक अच्छी बात है, लेकिन यदि मित्रता निभानी नहीं आती तो सब बेकार है। सच्चे मित्र की परख तो संकट काल में ही होती है। भालू ने बेशक दीनानाथ के कान में कुछ नहीं कहा, परंतु वो समझ गया कि रमानाथ से किनारा करना ही ठीक होगा। अतः स्वार्थी मित्रों से बचकर रहना चाहिए। मूर्ख बिल्लियां। सड़क पर एक रोटी पड़ी हुई थी। तभी एक बिल्ली की नजर उस रोटी पर पड़ी, लेकिन जब तक वो उस रोटी तक पहुंचती कि एक दूसरी बिल्ली ने उस पर झपट्टा मारा। दोनों बिल्लियां आपस में लड़ पड़ी। दोनों ही उस रोटी पर अपना अपना हक जताने लगी। काफी देर तक लड़ने के बाद एक बिल्ली ने सुझाव देते हुए कहा, हम इस रोटी को आधा आधा बांट लेते हैं। मैं इसके दो टुकड़े कर देती हूँ, एक तुम ले लेना, एक मैं। तुम क्यों इसके दो टुकड़े करोगे? बड़ा टुकड़ा अपने पास रखने के लिए, मैं करूंगी इसके दो टुकड़े। क्या तुम बेईमानी नहीं करोगी? इस तरह एक बार फिर दोनों में झगड़ा बढ़ गया। इतने में वहां एक बंदर आया। बंदर को देखकर दोनों बिल्लियों ने उसी से रोटी के दो बराबर टुकड़े करने को कहा। बंदर बड़ा चालाक था। उसने रोटी के दो टुकड़े किए और दोनों हाथों में रखकर उनकी बराबरी देखने लगा। उसे एक टुकड़ा कुछ बड़ा लगा। उसने उसमें से थोड़ी रोटी तोड़कर खा ली। इस बार बंदर को दूसरा टुकड़ा बड़ा लगा और उसने उसमें से भी थोड़ी रोटी तोड़कर खा ली। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके उसने पूरी रोटी चट कर ली और दोनों बिल्लियां मुंह ताकती रह गईं। इस कथा का सार यही है, छोटे मोटे विवादों को आपस में मिल बैठकर अपने तरीके से सुलझा लेना चाहिए। बिल्लियों ने बंदर को मध्यस्थ बनाया तो वो चतुर उन्हें ही गच्चा दे गया। आधे के चक्कर में पूरे से भी हाथ धोना पड़ा। ध्यान रहे, दो मूर्खों की लड़ाई में फायदा तीसरे को ही होता है। मेहनत का फल। राजकुमारी रोजी की खूबसूरती की हर जगह चर्चा थी। सुनहरी आंखें, तीखे नयन नक्श, दूध सी गोरी काया, कमर पर लहराते बाल सभी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। एक बार की बात है, राजकुमारी रोजी को अचानक खड़े खड़े चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजवैद्य ने हर प्रकार से रोजी का इलाज किया, पर राजकुमारी रोजी को होश नहीं आ रहा था। राजा अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते थे। उस देश के राजऊ नामक ग्राम में विलियम और जॉन नाम के दो भाई रहा करते थे। विलियम बहुत मेहनती और चुस्त था और जॉन अव्वल दर्जे का आलसी था। सारा दिन खाली पड़ा हुआ बांसुरी बजाया करता था। विलियम पिता के साथ सुबह खेत पर जाता, हल जोतता व अन्य कामों में हाथ बटाता। एक दिन विलियम ने जंगल में तोतों को आदमी की भाषा में बात करते हुए सुना। एक तोता बोला, यहाँ के राजा की बेटी अपना होश खो चुकी है, क्या कोई इलाज है? क्यों नहीं,
वह जो उत्तर दिशा में पहाड़ी पर सुंदर फलों वाला वृक्ष है, वहाँ से यदि कोई फल तोड़कर उसका रस राजकुमारी को पिलाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। तोते ने कहा, पर ढालू पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है, उससे फिसलकर तो कोई भी नहीं बच सकता। विलियम ने घर आकर सारी बात बताई तो जॉन जिद करने लगा कि वह फल मैं लाऊंगा और राजा से हीरे जवाहरात लेकर आराम से बंसी बजाऊंगा। फिर जॉन अपने घर से चल दिया। माँ ने रास्ते के लिए जॉन को खाना व पानी दे दिया। जॉन अपनी बांसुरी बजाता पहाड़ी की ओर चल दिया। पहाड़ी की तलहटी में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बोली, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जॉन बोला, हट बुढ़िया, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, खाना तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। और जॉन आगे चल दिया। पर पहाड़ी के ढलान पर पहुंचते ही जॉन का पैर फिसल गया और वह गिरकर मर गया। कई दिन इंतजार करने के पश्चात विलियम घर से निकला। उसके लिए भी माँ ने खाना व पानी दिया। उसे भी वही बुढ़िया मिली। बुढ़िया के भोजन मांगने पर विलियम ने आधा खाना बुढ़िया को दे दिया और स्वयं आगे बढ़ गया। विलियम जब ढलान पर पहुंचा तो उसका पांव भी थोड़ा थोड़ा फिसल रहा था। वह घास पकड़ पकड़ कर चढ़ रहा था, पर उसे तभी दो तोते दिखाई दिए और उनमें से एक तड़प कर उसके आगे गिर गया। विलियम को चढ़ते चढ़ते प्यास लग रही थी और उसके पास पानी भी थोड़ा बचा था। फिर भी उसने तोते की चोंच में पानी डाल दिया। चोंच पर पानी पड़ते ही तोता उड़ गया और न जाने तभी विलियम का पैर फिसलना रुक गया। विलियम तेजी से ऊपर पहुंचा और सुनहरे पेड़ तक पहुंच गया। उसने पेड़ से एक फल तोड़ा। फल को तोड़ते ही उसमें जादुई शक्ति आ गई। उसने आंख मूंद ली और जब आंखें खोली तो स्वयं को पहाड़ी के नीचे पाया। उसके सामने वही बुढ़िया खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। वह फल लेकर राजा के महल में पहुंचा और राजा की आज्ञा लेकर उसने फल का रस निकालकर राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। रस मुंह में पड़ते ही राजकुमारी ने आंखें खोल दी। राजकुमारी बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो? विलियम बोला, मैं कोई राजकुमार नहीं, एक गरीब किसान हूँ। इतने में राजा व उसके सिपाही आ गए। राजा बोले, आज से तुम राजकुमार हो वत्स, तुमने रोजी को नई जिंदगी दी है, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? विलियम बोला, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास थोड़ी सी जमीन है। यदि आप मुझे 5 एकड़ जमीन दिलवा देंगे तो मैं ज्यादा खेती करके आराम से रह सकूंगा। राजा बोला, सचमुच तुम मेहनती और ईमानदार हो, तभी तुमने इतना छोटा सा इनाम मांगा है। हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी रोजी से करके तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं। विलियम बोला, पहले मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज समझता हूँ। राजा विलियम के मातृ पितृ भक्ति देखकर गदगद हो उठा और बोला, उनसे हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त कर लेंगे। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जो उन्होंने तुम्हारे जैसा मेहनती और होनहार पुत्र पाया है। फिर राजा ने विलियम के पिता की आज्ञा से विलियम और रोजी का विवाह कर दिया और उसके पिता को रहने के लिए बड़ा घर, खेती के लिए जमीन व काफी धन दिया। विलियम राजकुमारी के साथ महल में तथा उसके माता पिता बड़े वैभवशाली मकान में सुखपूर्वक रहने लगा। मैं लक्ष्मी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। एक दिन राजा सत्यदेव अपने महल के दरवाजे पर बैठे थे, तभी एक स्त्री उनके घर के सामने से गुजरी। राजा ने पूछा, देवी आप कौन हैं और इस समय कहाँ जा रही हैं? उसने उत्तर दिया, मैं लक्ष्मी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, शौक से जाइए। कुछ देर बाद एक अन्य नारी उसी रास्ते से जाती दिखाई दी। राजा ने उससे भी पूछा, देवी आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं कीर्ति हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर के बाद एक पुरुष भी उनके सामने से होकर जाने लगा। राजा ने उससे भी प्रश्न पूछा, आप कौन हैं? पुरुष ने उत्तर दिया, मैं सत्य हूँ, मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने तुरंत ही उसके पैर पकड़ लिए
और प्रार्थना करने लगा कि कृपया आप तो न जाएं। राजा सत्यदेव के बहुत विनती करने पर सत्य मान गया और न जाने का आश्वासन दिया। कुछ देर के बाद राजा सत्यदेव ने देखा कि लक्ष्मी एवं कीर्ति दोनों ही वापस लौट रही हैं। राजा सत्यदेव ने पूछा, आप कैसे लौट आईं? दोनों देवियों ने कहा, हम उस स्थल से दूर नहीं जा सकती जहां पर सत्य रहता है। लालची कुत्ता। एक कुत्ते को घूमते फिरते अचानक हड्डी का एक टुकड़ा मिला। उसने वह हड्डी मुंह में दबा ली, इधर उधर देखा, उसे कोई दूसरा कुत्ता नजर नहीं आया। इससे पहले कि कोई दूसरा कुत्ता आकर उस हड्डी पर अपना हक जताता, वह हड्डी लेकर वहां से दौड़ पड़ा। सोचा कि उस हड्डी को ऐसी जगह ले जाकर खाएगा जहां उसे कोई दूसरा तंग करने वाला ना हो। कुत्ता भागते भागते नदी किनारे पहुंचा। वह लकड़ी के पुल से नदी पार करने लगा। अचानक उसने नदी की तरफ देखा, पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। कुत्ते को लगा कि वह कोई अन्य कुत्ता है और उसके मुंह में भी हड्डी है। उस कुत्ते के मन में लालच आ गया। सोचा, क्यों ना उस कुत्ते से हड्डी छीन लूं। कुत्ते को डराने के लिए वह जोर से अपनी ही परछाई पर भौंका, पर उसके भौंकते ही मुंह में दबा हड्डी का टुकड़ा भी नदी में जा गिरा। लालच में पड़कर कुत्ते ने अपने मुंह में दबी हड्डी भी गवा दी। कथासार, एक के दो करना भला किसे अच्छा नहीं लगता, परंतु लोभ लालच में पड़कर ऐसा करना ठीक नहीं। हो सकता है कि एक पास में है, उससे भी हाथ धोना पड़े। लालची कुत्ता भी हड्डी के लोभ में पड़कर अपने मुंह में दबी हड्डी से भी हाथ धो बैठा। विकट समस्या। एक गांव में चार पक्के मित्र रहते थे। उनमें से एक दर्जी था, एक सुनहार, एक ब्राह्मण और एक बढ़ई था। एक बार चारों ने निर्णय लिया कि विदेश में जाकर कुछ धन कमाया जाए। वे चारों ही साथ साथ रवाना हो गए। चलते चलते जब दिन ढल गया तो वे गांव के पास किसी मंदिर में ठहर गए। रात को खा पी कर वे सोने लगे तो उनके मन में विचार आया कि उनके पास कुछ धन भी है, अतः सबको बारी बारी से पहरा देना चाहिए। सबसे पहला पहरा देने की बारी बढ़ई की आई। जब तीनों मित्र सो गए तब बढ़ई ने रात काटने के लिए कुछ काम करने की सोची। पास में ही एक लकड़ी पड़ी थी, औजार भी उसके पास थे। बढ़ई ने एक सुंदर काष्ठ प्रतिमा बनाई। प्रतिमा इतनी सुंदर थी कि लगता था कोई युवती हो। बढ़ई के बाद दर्जी ने पहरा दिया। उसने देखा कि बढ़ई ने काष्ठ प्रतिमा बनाई है तो उसे भी कुछ करना चाहिए। इस तरह समय भी कट जाएगा और प्रतिमा की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। उसने सुंदर कपड़े सिलकर काष्ठ प्रतिमा को पहना दिए। अब पहरा देने की बारी सुनहार की थी। सुनहार ने सजी धजी उस काष्ठ प्रतिमा को स्वर्ण आभूषण गढ़कर पहना दिए। अंत में पहरा देने की बारी ब्राह्मण की थी। उसने संजीवन पाठ किया और उस प्रतिमा में प्राण फूंक दिए। सवेरा होने पर वो प्रतिमा एक सुंदर स्त्री बन चुकी थी। अब चारों मित्र उस युवती पर अपना अधिकार जताने लगे। चारों में विवाद छिड़ गया। तभी मंदिर का पुजारी वहां आ पहुंचा। चारों ने पुजारी से प्रार्थना करने के बाद उसे पूरी बात बता दी और फैसला करने को कहा। पुजारी ने निर्णय दिया, बढ़ई ने प्रतिमा बनाई और ब्राह्मण ने इसे जीवन दिया, इसलिए ये दोनों इसके पिता हैं। दर्जी ने इसे कपड़े पहनाए, इसलिए ये युवती का मामा हुआ। लड़की के लिए गहने वर पक्ष की ओर से आते हैं। चूंकि ये काम सुनहार ने किया है, अतः इस युवती को प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी सुनहार ही है। चारों मित्र पुजारी के निर्णय से संतुष्ट हो गए। उनमें पूर्ववत मित्रता हो गई। इस कथा का सार ये है, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि किसी एक के पक्ष में निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है। चारों मित्रों ने काष्ठ से युवती बनने तक की प्रक्रिया में अपना अपना सहयोग दिया, लेकिन उसका अधिकारी तय करते समय पुजारी ने अपने अनुभव के आधार पर समुचित निर्णय कर दिया। शरारती मेमना। एक बकरी का छोटा सा मेमना बहुत ही शरारती था। उसकी मां दिन भर उसके आगे पीछे भागती रहती और उसे शरारतें करने को मना करती, लेकिन वो अपनी मां का कहना नहीं मानता था। एक सुबह मेमना अपनी मां का दूध पीकर कुछ दूर की ही सोचने लगा। उसने सोचा कि आज जंगल की सैर की जाए, जबकि उसकी मां उसे जंगल के भीतर जाने को मना करती थी। कुछ देर तो वो अपनी मां के अगल बगल ही खेलता रहा, फिर मां से नजर बचाकर जंगल की तरफ भाग निकला। जब बकरी ने देखा कि उसका मेमना जंगल की तरफ जा रहा है तो उसने पीछे से आवाज लगाई, जंगल में मत जाओ, वहां खतरनाक जानवर होते हैं। मां, तुम चिंता मत करो,
मैं जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा और जल्दी ही लौट आऊंगा। मेमना लापरवाही से जवाब देता हुआ आगे बढ़ गया और दौड़ता हुआ जंगल में पहुंच गया। खूब उछला कूदा और फुदकता रहा। जब खेलते खेलते उसे माँ की याद आई तो उसने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन जंगल में अंदर तक आ जाने के कारण वो रास्ता भटक गया। वो काफी देर तक रास्ते की खोज में इधर उधर भटकता रहा, किंतु रास्ता न मिला। वो रोते रोते सोचने लगा कि काश वो अपनी माँ का कहना मान लेता। तभी वहां एक भेड़िया आया और मेमने को देखकर बोला, वाह, आज तो बहुत ही मजेदार भोजन नसीब हुआ है। इसके बाद वो भेड़िया मेमने पर टूट पड़ा। इस प्रकार मेमने को बड़ों का कहना न मानने की सजा मिल गई। इस कथा का सार यही है, बड़े बुजुर्गों के कहे पर कान न देना ठीक नहीं। उनकी कही बातों के पीछे जीवन भर के अनुभव का सार होता है। मेमना यदि अपनी मां की बात मानकर जंगल के भीतर न जाता तो उसे भेड़िया का आहार न बनना पड़ता। शिकारी को चकमा। एक जंगल में एक हिरण रहता था। एक दिन उसकी बहन अपने बेटे को लेकर उसके पास आई और कहने लगी, भाई, अपने भांजे को अपनी जाति के गुण सिखा दो, अवश्य इसे यहीं छोड़ जाओ। हिरण ने कहा। हिरण का भांजा सोचने लगा, पता नहीं क्या क्या सिखाएंगे मामा। लगभग 2 महीने तक नन्हा हिरण अपने मामा से प्रशिक्षण लेता रहा। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ जंगल में घूमने गया और संयोग वंश वहां शिकारी के फंदे में फंस गया। वह चिल्लाने लगा, मुझे छुड़ाओ, मैं फंस गया हूँ। उसके साथ ही भागकर उसकी माँ के पास पहुँचे और बताया कि उसका बेटा एक शिकारी के फंदे में फंस गया है। यह सुनकर उसकी माँ रोने लगी और सोचने लगी कि अब क्या करे। वह भागी भागी अपने भाई के पास गई और उसे सारी बात कह बताई। हिरण ने अपनी बहन को दिलासा दिया, घबराओ मत बहन, मैंने उसे जो शिक्षा दी है उसके बल पर वह अपने आप को छुड़ा लेगा। उधर जाल में फंसा वह हिरण सोचने लगा कि मामा ने ऐसे समय के लिए जो शिक्षा दी है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वह मृत समान लेट गया। उधर शिकारी ने आकर देखा तो सोचने लगा, लगता है बेचारा सुबह ही मर गया। उसने फंदा खोल दिया। अब वह सोचने लगा, अब इसकी खाल उतार कर मांस को अपने घर ले जाऊंगा, पत्नी खुश हो जाएगी। वह आग जलाने के लिए लकड़ियां बीनने लगा। उधर हिरण मौका देखकर वहां से भाग निकला। शिकारी भी उसके पीछे भागा, मगर वह उसके हाथ नहीं आया। थोड़ी ही देर में हिरण खुशी खुशी अपनी माँ के पास लौट आया। शिक्षा, संकट के समय होश नहीं खोने चाहिए। कठिनाइयां किसके सामने नहीं आती, लेकिन उनसे पार वही पाते हैं जो उनका मुकाबला करना जानते हैं। जैसे हिरण के बच्चे ने जाल में फंसने के बाद किया, बड़ों से मिली कोई भी सीख बेकार नहीं जाती। शिकारी को सबक। एक शिकारी ने बहुत से जानवरों का शिकार किया था। खास तौर पर वो खरगोशों का शिकार करता था। वो खरगोश को पकड़ता, बड़े से चाकू से उसकी गर्दन काटता और उसे भूनकर खा जाता। ये सत्य है कि हर पापी के पापों का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है। एक बार इस शिकारी ने जंगल में खरगोश पकड़ा और अपने गांव की ओर चल दिया। उसने खरगोश को कानों से पकड़ रखा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक मुनि बैठा था। उसे खरगोश पर दया आ गई। उसने शिकारी से कहा, इस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इसे इतना कष्ट दे रहे हो, इसे छोड़ दो, भगवान तुम्हें माफ कर देगा। शिकारी हंसा और बोला, बाबा, अब तो मैं इसे तुम्हारे सामने ही मारूंगा। उसने अपना बड़ा सा चाकू निकाल लिया। जैसे ही उसने चाकू को खरगोश की गर्दन पर चलाना चाहा कि चाकू उसके हाथ से छूटकर उसी के पैर पर गिर गया। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। खरगोश भी हाथ से छूटकर जंगल में भाग गया। शिकारी को अपने किए की सजा मिल गई। उसका एक पैर हमेशा के लिए बेकार हो गया। अब वो शिकार भी नहीं कर सकता था। इस कथा का सार ये है, जीव हिंसा करना पाप है। अपने शौक के लिए खरगोशों का वध करने वाला शिकारी भूल गया था कि उन्हें मारने के लिए उठाया चाकू स्वयं उसी का अहित भी कर सकता है। पाप का घड़ा तो एक न एक दिन फूटना ही होता है। कुछ ऐसा ही उस शिकारी के साथ हुआ। श्राप। एक गांव में एक बुढ़िया अपनी पुत्री के साथ रहती थी। उनके पास एक बैल भी था
जहां बुढ़िया मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ थी, वहीं उसकी पुत्री बेहद आलसी और कामचोर प्रवृत्ति की थी। बुढ़िया अपने बैल का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन वह किसी काम में व्यस्त थी, तभी उसे ध्यान आया कि बैल प्यासा है, लेकिन वह अपना काम अधूरा छोड़कर बैल को पानी पिलाने तालाब तक नहीं ले जा सकती थी। उसने अपनी पुत्री से बैल को पानी पिला लेने को कहा, किंतु उसने मना कर दिया। बुढ़िया ने अपनी पुत्री को लालच देते हुए कहा, बेटी, मैं अपना काम बीच में नहीं छोड़ सकती, तुम बैल को तालाब से पानी पिला लाओ, वापस आने पर मैं तुम्हें हलवा खिलाऊंगी। हलवे के लालच में उसकी बेटी बैल को पानी पिलाने ले जाने को तैयार हो गई। तालाब उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। तपती दोपहर में उसका मन तो नहीं चाह रहा था, लेकिन हलवे के लालच में वह बैल को लेकर चल दी। कुछ दूर चलने के बाद उसने सोचा कि बैल को आधे रास्ते से ही वापस ले चलती हूँ, माँ से कह दूंगी कि उसने बैल को पानी पिला दिया है। वह वापस अपने घर चल दी। घर आने पर माँ ने उसे हलवा खाने को दिया। वह हलवा खाने लगी, पर बैल बेचारा प्यासा ही तड़पता रहा। गुस्से में आकर बैल ने उस लड़की को श्राप दे दिया, जिस तरह आज तूने मुझे पानी के लिए तरसाया है, उसी तरह अगले जन्म में तू चातक पक्षी बनकर हमेशा पानी को तरसती रहेगी। और आज तक चातक पक्षी तालाब होने के बावजूद आसमान की ओर देखता बरसात का इंतजार करता रहता है। कथासार, दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने सुख की कल्पना करना ठीक नहीं। ऐसे सुख का उपभोग अधिक समय तक नहीं हो पाता। हलवे के लोभ में जेवा सुख को आतुर लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो बैल को प्यासा ही लौटा लाई, लेकिन आने वाले जन्म में स्वयं पानी की बूंद को तरस गई। सच्ची मित्रता। दो मित्र थे, दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। लोग भी उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते थे। संयोगवश उनमें किसी गलत फहमी के कारण आपस में मनमुटाव हो गया। यह मनमुटाव दुश्मनी की हद तक बढ़ गया। कल तक जहां दोनों मित्र थे, आज वे एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। गांव के सभी लोग हैरान थे कि उन दोनों मित्रों में दुश्मनी कैसे हो गई। एक दिन एक मित्र के पिता की मृत्यु हो गई। गांव के सभी लोग उसके घर पर शोक प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए। कुछ ही देर में वहां उसका दूसरा मित्र भी आया और उसने भी इस दुख पर शोक प्रकट किया। सभी लोग हैरान थे कि वहां ये कैसे आ गया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारी तो इससे मित्रता ही खत्म हो गई थी, फिर यहां कैसे आ गए। जरूरी नहीं कि हर जगह मित्रता के नाते ही जाया जाए। इंसानियत भी कोई चीज होती है, और फिर अपने मित्र के दुख की घड़ी में तो मुझे शामिल होना ही पड़ेगा, भले ही वो मुझे न बुलाए। दूसरे मित्र ने कहा, इस कहानी का सार यही है, सच्ची मित्रता की परख दुख तथा विपत्ति में ही होती है। बेशक दोनों मित्र के संबंधों में कटुता आ गई थी, परंतु जब एक पर दुखों का पहाड़ टूटा तो दूसरा स्वयं को रोक न सका। हृदय से जो संबंध एक बार जुड़ जाते हैं, वे फिर तोड़े नहीं टूटते। सद्गुणी शिष्य। प्रयाग में एक ऋषि का आश्रम था। उनके एक अति सुंदर कन्या थी। कन्या को विवाह योग्य जानकर उन्होंने अपने ही शिष्यों में से सद्गुणी शिष्य के साथ उसका विवाह करने का निर्णय किया। दूसरे दिन ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, अपनी कन्या के विवाह में देने के लिए मेरे पास स्वर्णाभूषण नहीं है। मेरे बच्चों, क्या तुम स्वर्णाभूषण चुरा कर ला सकते हो? पर एक बात का ध्यान रखना, चोरी गुप्त रूप से होनी चाहिए, किसी को भी इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। उस दिन से शिष्यों ने अपने तथा मित्रों के घर से स्वर्ण निर्मित आभूषण चुराने शुरू कर दिए और चुपचाप गुरुजी को लाकर देने लगे। कुछ दिनों में ढेर सारे स्वर्णाभूषण एकत्रित हो गए। एक दिन ऋषि ने देखा कि उनका एक शिष्य बहुत उदास है। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, केवल तुम ही मेरे लिए कुछ भी नहीं ला पाए, क्या बात है? आपकी शर्त ही ऐसी है गुरुदेव कि आप गुप्त रूप से लाई गई चीज ही स्वीकार करेंगे, और पाप ऐसा काम है जिसे गुप्त नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दूसरों से भले ही मैं चोरी छिपा लूं, पर अपने आप से तो नहीं छिपा सकता, शिष्य ने उदास स्वर में कहा। ऋषि खुश हो गए और अपने उस शिष्य से बोले, मुझे अपनी कन्या के लिए तुम्हारे जैसे योग्य वर की ही तलाश थी। वत्स, मुझे धन की कोई जरूरत नहीं, मैं तो केवल सदाचार की परीक्षा ले रहा था। मेरी कन्या के योग्य वर केवल तुम ही हो। ऋषि ने अन्य सभी शिष्यों को बुलाया
और कहा, तुम लोग नैतिक परीक्षा में सफल नहीं हुए, अतः चोरी की हुई सभी चीजें तुम्हें उसके मालिकों को वापस करनी होंगी। फिर उन्होंने रत्नाभूषणों से सज्जित अपनी कन्या का विवाह उस सद्गुणी शिष्य के साथ कर दिया। शिक्षा: व्यक्ति कितना भी चतुर हो, चाहे सारी दुनिया को धोखा दे ले, किंतु खुद को धोखा नहीं दे सकता। कोई भी बुरा काम करने पर अंतर्मन धिक्कार अवश्य करता है, लेकिन व्यक्ति है कि उसकी आवाज अनसुनी कर देता है। जो भी अंतर्मन की आवाज सुनता है, वह गलत काम कर ही नहीं सकता।